सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके इसमें क्या दिया है देखिए, ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, मतलब रेट ऑफ ए बी से दो गुना होता है, ये बस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बी से दो गुना अच्छा वर्क्समैन है। अब ये दोनों मिला के एक काम को 18 डेज में फिनिश करते हैं, दोनों मिला के टुगेदर, तब रेट का एडिशन होता है। मैंने बोला है जब एक साथ काम करेंगे तो रेट का एडिशन। सो रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी इज इक्वल टू कितने दिन, 18 डेज। डेज 18 लग रहे हैं मतलब रेट उसका उल्टा हो गया, बताया ना जितने डेज लगते हैं उसका उल्टा रेट। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश दिस, बस ए का रेट निकालो और उसका उल्टा कर दो तो टाइम निकलेगा। अब ए का रेट देखिए डायरेक्ट ही, इसमें कुछ भी नहीं है, बस रेट ऑफ बी की जगह पर मैं रेट ऑफ ए अपॉन टू रख दूंगा। देखिए ना इससे क्या निकलता है मेरा, रेट ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टू, बात सही है ना। तो सिंपल है, आर ए अपॉन टू मैं यहाँ पे रख दूंगा, रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ ए अपॉन टू इज इक्वल टू 1/18। सो ये आपका हो गया 3/2 रेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/18। सो सिंपल सी बात है, ये हो जाता है आपका 2 9 18, और सो रेट ऑफ ए आ जाएगा आपका 1/27। सो टाइम रिक्वायर्ड बाय ए इज इसका उल्टा, दैट इज 27 डेज, इट विल रिक्वायर्ड, ही विल रिक्वायर 27 डेज। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसमें। ये जो है यहां पे दिया है, ये किसी दिन किसी जॉब को, जॉब मतलब वर्क ही होता है, 12 दिनों में करता है, मतलब रेट ऑफ ए इज 1/12 एंड बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परसेंटेज वाला है, एफिशिएंट मतलब रेट के बारे में ही बोला जाता है, कोई अच्छा है मतलब रेट में अच्छा होता है, फास्ट काम करता है। सो रेट बी का अच्छा है किससे, ए से, कितना, 60% ज्यादा, 60% ज्यादा मतलब 1.6, कैसे आया परसेंटेज में मैंने बता दिया है, उसके वीडियोस को देख लो 1.6 कैसे आता है, लेकिन फिर भी क्विकली मैं बता दूंगा ये ऐसे होता है, बी का रेट ए के रेट से 60% ज्यादा, मतलब ए प्लस 60% ऑफ ए, इसको सॉल्व करोगे तो 1.6 आएगा, राइट। तो क्या पूछा है अभी, हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम जॉब। तो सिंपल सी बात है भाई, 1.6 इंटू रेट ऑफ ए जो कि इतना है 1/12, सो 4, कितना, 4 4 16, 4 3 12, और ये आ जाता है फिर 4/30, राइट ना। तो रेट ऑफ बी इतना आया है तो टाइम ऑफ बी तो इसका उल्टा होता है ना, ये भूलना नहीं है, काम अगर एक है तो। सो 30/4 जो कि आता है 4 7 28, 2 7 2/4, 7.5 दिनों में ये अकेला काम कर देगा, ओके राइट। देखिए इस प्रॉब्लम को समझ लो, जरा अलग तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, मैं बोलता हूं ना डायरेक्ट फॉर्मूले से सब कुछ आता नहीं है, बेसिक से समझना पड़ता है, प्रॉब्लम की लैंग्वेज को भी समझना पड़ता है। क्या बोला है देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, इसका मतलब है रेट ऑफ ए इज 1/80, 80 डेज में फिनिश कर रहा है वो। उसके बाद क्या बोला है, ही वर्क्स, वो काम करता है 10 दिनों के लिए, 80 दिन लगते हैं लेकिन उसने 10 दिन ही काम किया है, तो उसने काम कितना किया होगा अभी देखिए, ये ठीक से ए ने 10 दिन काम किया, मतलब पूरा काम तो किया नहीं, टोटल काम तो एक है। सो वर्क डन बाय ए विल बी इक्वल टू रेट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन बाय ए, ये तो फॉर्मूला है, भूलना नहीं इसको। रेट ऑफ ए कितना है 1/80 मल्टीप्लाइड बाय, उसने काम कितने दिनों के लिए किया, 10 दिनों के लिए, तो ए ने काम किया 1/8, दिस इज द वर्क डन बाय ए। तो काम बचा कितना, वर्क रिमेनिंग, पूरा काम है एक, उसमें से किया कितना 1/8, ऐसा ना, वर्क डन, ये वर्क रिमेनिंग का मतलब क्या होता है भाई, वर्क डन कितना किया
माइनस सॉरी टोटल वर्क, दिस टोटल वर्क ठीक से लिख लो, वर्क टोटल माइनस वर्क फिनिश्ड यानी डन। टोटल वर्क तो है आपका एक, उसने किया कितना है 1/8, तो बचा वर्क कितना 7/8 वर्क अभी भी बचा हुआ है। अब आगे क्या बोला है भाई, बी अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 42 डेज। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ बी इज 1/42, ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। ये कब लिख सकते हो, जब वर्क की वैल्यू 1 है तो। लेकिन बी ने एक वर्क नहीं किया है, 7/8 किया है, पूरा वर्क नहीं किया है। तो इसका मतलब बेसिक फॉर्मूले से जाना पड़ता है कई बार, कई बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो रट्टा मत मारो, फॉर्मूले और ट्रिक रट्टा मत मारो, उनको समझ लो, तभी आप क्रैक कर पाओगे, टॉप पोजीशन ले पाओगे, ठीक है। 70% क्वेश्चन तो सभी को आते हैं ऐसे ट्रिक्स और थम रूल से, लेकिन बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क ऑफ बी, रेट का फॉर्मूला क्या होता है इससे अगर निकालोगे तो, वर्क अपॉन टाइम। अब बी ने वर्क कितना किया है 7/8, दिस इज द वर्क, बचा हुआ था ना, तो बचा हुआ वर्क बी ने किया है, मतलब 7/8 किया है, उसको टाइम कितना लगा है 42 डेज, ये देखिए इधर लिखा है। तो अब ये कितना आता है, 7 6 42, सो आपके पास आएगा 1/ ये 8 और इधर इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 8 6 48, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ बी इज 1/48। तो क्या बोला है, इन हाउ मच टाइम विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर विल फिनिश द वर्क, सो कंबाइन निकालना है आपको। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द सेम वर्क, वही एक ही वर्क करना है, तो कंबाइंड टाइम का फॉर्मूला क्या है, देखिए ए को एक वर्क करने के लिए 48 डेज लग रहे हैं, बी को भी एक वर्क करने के लिए 8 डेज लग रहे हैं, तो दोनों को एक वर्क करने के लिए, वही एक वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, कंबाइंड टाइम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तीनों केसेस में वर्क एक ही है। सो टाइम रिक्वायर्ड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड बाय बी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्लस टाइम रिक्वायर्ड बाय बी टाइम रिक्वायर्ड बाय ए, किधर गया किधर गया, ये देखिए यहां से निकलता है, रेट से रेट का उल्टा, ए टी टाइम रिक्वायर्ड बाय बी रेट का उल्टा 48, 80 प्लस 48। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, क्या हो जाएगा अब, क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ तो कॉमन निकलेगा। देखिए क्या कॉमन निकलता है भैया, 48 इससे 8 कॉमन निकलता है दोनों से, सो 8 10 80 प्लस 8 6 48, सो 8 10 80, सो 10 बचेगा, सो आपका आएगा 480 डिवाइड बाय 16, तो 16 3 48 सो 30, सो दे विल रिक्वायर कंबाइंडली 30 डेज, ओके राइट। देखिए ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एक्चुअली बेसिक से ही होते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन, इसलिए बेसिक से जाओ, ठीक है। क्या बोला है भैया, ए और बी दो बंदे मिला के किसी एक काम को करने की सोचते हैं 600 रुपये में, सो टोटल उनको पैसा मिल रहा है 600 रुपया, किसी किसी वॉल को पेंट करना है समझ लो। अगर अकेला ए करता है ना तो उसको 6 दिन लगते हैं, मतलब रेट ऑफ ए है 1/6, जबकि बी अकेला उसको 8 दिन में करता है, तो रेट ऑफ बी है 8 नहीं कितना बोलो, अब तो आपको याद हो गया होगा, क्या होना चाहिए 1/8। विद द हेल्प ऑफ सी, अगर सी की वो मदद लेते हैं दोनों, तो सभी मिला के वो 3 दिन में ही काम फिनिश करते हैं तीनों लोग कंबाइंडली, मतलब रेट कंबाइंड मतलब तीनों का रेट, दैट इज रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी प्लस रेट ऑफ सी इज इक्वल टू 1/3। फाइंड द शेयर ऑफ इस, तो हर एक को कितना पैसा मिलेगा, देखिए हर एक को पैसा ना इक्वल नहीं मिलेगा, जिसने ज्यादा काम किया उसको उतना मिलेगा, सो शेयर पैसे का शेयर या फिर पैसा उसको हम मनी बोलेंगे, मनी गेन्ड बाय एवरीबडी अर्न बाय एवरीबडी एनीबडी
इज प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन बाय दैट पर्सन, ऐसा ही होना चाहिए ना। तो सबसे पहले वर्क तो निकालो, और लेकिन वर्क तो वो ज्यादा करेगा जिसका रेट ज्यादा है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि तीनों उतने टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो जिसका रेट ज्यादा है। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इंटू टाइम। अब टाइम तो तीनों का उतना ही है, तीनों एक ही दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए तीनों मिला के काम कर रहे हैं, लेकिन एक ज्यादा पेंट कर रहा है एक कम पेंट कर रहा है, तो टाइम तीनों के लिए सेम है, लेकिन वर्क तो फिर क्या हो जाएगा, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू रेट। अब शेयर मनी जो प्रोपोर्शनल टू वर्क है और वर्क प्रोपोर्शनल टू रेट है, तो सिंपल है, फाइनली मनी इज प्रोपोर्शनल टू रेट। सो जिसका ज्यादा रेट उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले रेट निकालो तीनों का, तो ए और बी का तो पता है, बस सी का निकालना है। सो दिस इंप्लाइज रेट ऑफ ए इज 1/6 प्लस रेट ऑफ बी इज 1/8 प्लस रेट ऑफ सी इक्वल टू 1/3। सो रेट ऑफ सी कितना निकलेगा, चलो रेट ऑफ सी इज इक्वल टू 1/3 माइनस, ये दोनों बंदे इधर माइनस हो जाएंगे, चलिए इन दोनों का एडिशन यहीं पे कर लो, क्या होता है, क्या होता है भैया इनका एडिशन, चलो 24 इनका एलसीएम है, 4 3 सो 7/24, ठीक है ना। सो ये इधर -7/24 आ गया, तो चलिए फिर से एलसीएम क्या आ गया, 24, सो 3 8 24 -7 सो इक्वल टू 1/24। सो सी का रेट तो 1/24 हो गया, और मनी इज प्रोपोर्शनल टू रेट। अब तीनों का जो मनी है, अब लेट ए को मिला ए, बी को मिला एम बी, और सी को मिला एम सी, लेट लेट, तो तीनों के मनी का एडिशन क्या होना चाहिए, 600 रुपीज़, क्योंकि तीनों को मिला के ही तो 600 मिले हैं। वो मालिक थोड़ी ज्यादा लोग है इसलिए ज्यादा पैसा देगा, वो तो बोलेगा 600 रुपीज़ में ये पूरा काम कर दो, आप 10 लो 100 लो या 1,000 लो या अकेला कर, क्योंकि उसने ये जो टोकन अमाउंट ये जो लिया है ये वर्क वो 600 रुपीज़ में लिया है, लेकिन मनी इज प्रोपोर्शनल टू रेट। तो मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा के क्या लिख सकता हूँ, मनी इज इक्वल टू रेट इंटू सम प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के। तो यहाँ क्या आएगा, मनी अर्न बाय ए इज सम कॉन्स्टेंट के इंटू रेट ऑफ ए प्लस सम कॉन्स्टेंट के इंटू रेट ऑफ बी प्लस सम कॉन्स्टेंट के इंटू रेट ऑफ सी इज इक्वल टू 600। बात सही है ना, तो इससे मेरी के की वैल्यू निकलेगी, के की वैल्यू क्या होगी भाई, के इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय, के कॉमन निकलेगा, और ये रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी प्लस रेट ऑफ सी नीचे चले जाएंगे ना, समझ रहा है ना। ओके अब रेट ऑफ ए बी सी को यहां पे डालना होगा आपको, चलो सो के इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय, व्हाट इज रेट ऑफ ए, यहां पे निकाला है हमने, देखो रेट ऑफ ए बी सी, ये देखो 1/6 1/8 एंड 1/24, 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/24, तो आएगा आपका 600 डिवाइडेड बाय, इनका एलसीएम तो 24 आएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 3 से, इसको 1 से, ये 24 तो ऊपर चला जाएगा, सो 600 मल्टीप्लाइड बाय 24, और नीचे कितना बजेगा, 4 और 3 7 और 1 8, सो 8 3 जा 24। सो के इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, 1800। ओके अब ये के हो गया, अब मनी का शेयर, मनी ऑफ ए मनी ऑफ बी एंड मनी ऑफ सी, मतलब शेयर ऑफ ए शेयर ऑफ बी शेयर ऑफ सी क्या होता है, के मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ए, यही तो मैंने लिखा है ना, इधर देखिए इधर 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 देखिए, मनी इज प्रोपोर्शनल टू रेट बोला, फिर मैंने मनी इज इक्वल टू के इंटू आर बोला, ठीक है ना, ये रेशियो और प्रोपोर्शन के ही प्रॉब्लम है भैया, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए तो के कितना है, 1800 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ए, देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है 1/6 है, तो इसको मिलेगा 300 रुपीज़। ओके वैसे इसको के इंटू रेट ऑफ बी जो कि है 1800 मल्टीप्लाइड बाय बी का रेट है 1/8, तो इसको मिलेगा कितना, इसको कुछ आड़ा टेढ़ा मिलेगा भैया, चलिए इसको मैं बस सिंपलीफाई करके लिख देता हूँ, सो
ए है 4 2, और फिर उसके बाद है 4 4 जा 16, 2 रिमेनिंग, 4 5 जा 20, ये 450/2। अरे ये तो जा रहा है, तो ये कितना, ₹225। और रेट ऑफ सी विल बी के इंटू आर सी, आप कर सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1/24 तो इसको मिलेगा ₹75, राइट। इस तरीके से इनको शेयर मिलेगा, ओके करेक्ट।